नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नीति आयोग की परीक्षा में फिसड्डी साबित हुआ योगी का विकास। जी हां, आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन हर रोज यूपी में जबरदस्त विकास होने का दावा करते दिख जाते हैं। विकास के लिए योगी का जुनून इतना ज्यादा है कि विकास वह उनके इस विकास पर सवाल खड़े करने वालों को जेल भिजवाने में भी संकोच नहीं करते। लेकिन एक बार फिर उनके विकास पर सवाल निशान लगाया गया है। इस बार इनके विकास पर उंगली उठाने वाला कोई पत्रकार नहीं बल्कि मोदी सरकार का थिंक टैंक माना जाने वाला नीति आयोग है। नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। एसडीजी रैंकिंग के तहत राज्यों को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में हुए विकास के हिसाब से नंबर मिलते हैं और इन नंबरों से राज्यों की रैंकिंग तय की जाती है। योगी आदित्यनाथ इस टेस्ट में फेल ही नहीं हुए बल्कि सबसे फिसड्डी बताए गए हैं। योगी के यूपी को इस इंडेक्स में सबसे कम नंबर मिले हैं। नीति आयोग की इस रैंकिंग में योगी असम, बिहार और झारखंड के साथ सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं। इस रैंकिंग में इस बार मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड को फायदा हुआ है। इन तीनों राज्यों के अंकों में 2019 की तुलना में क्रमशः 12, 10 और 8 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने 65 से अधिक अंक हासिल किए हैं। गौरतलब है कि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि यूपी में पिछले 4 सालों में बहुत विकास हुआ है, लेकिन नीति आयोग की इस रिपोर्ट ने योगी की किरकिरी करवा दी है। अगर किसी पत्रकार ने ऐसा कुछ लिखा या बोला होता तो उसके ऊपर राशों का लग चुका होता और वो जेल की हवा खा रहा होता। लेकिन जब योगी जी करे भी तो क्या करें, क्योंकि नीति आयोग तो केंद्र सरकार का ही एक अंग है। नीति आयोग के विकास वाले एग्जाम में फेल होने के बाद योगी क्या मुंह लेकर विधानसभा चुनाव में जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।